हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना रबदेक, रजका किचन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कस्टर्ड फालूदा विद आइसक्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है और बनाना तो बेहद ही ज़्यादा आसान है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो, पहली बार मेरा वीडियो वॉच करें तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फालूदा बनाने के लिए ना, सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है छोटा सा, उसमें मैं ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब सब्जा सीड्स। सब्जा सीड्स आप लोगों को कोई भी किराना शॉप में इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसे हमें भिगो कर रखना है कुछ देर के लिए। ये आधे घंटे में या 15 मिनट में ही ऊपर आ जाएगा फुल के। देखिए, इसकी क्वान्टिटी डबल हो जाती है। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है और 1 लीटर का मैं यहाँ पर कस्टर्ड फालूदा बनाने जा रही हूँ। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। पानी हमें 1 ग्लास के करीब डालना है इसमें, और इसे फूलने के लिए हम छोड़ देंगे, रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, तो बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें डालने के साथ ही ये काफ़ी हद तक फूल चुका है। देखिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को इस तरीके से फूलता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर ना हमें 1 लीटर दूध का बनाना है कस्टर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे, क्योंकि कस्टर्ड फालूदा बना रहे, सबसे पहले कस्टर्ड बनाएंगे। तो 1 लीटर दूध मैंने यहाँ पर लिया है। कोई भी दूध आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल फैट मिल्क या पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 लीटर दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसे हम अच्छे से पकाएंगे बॉईल होने के बाद भी 2 मिनट तक लो फ्लेम पर लगातार स्पून से चलाते हुए, नहीं तो नीचे लग जाएगा और फिर जली हुई स्मेल आ जाएगी। इसके लिए स्पून से चलाना है। इस स्टेज पर आने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब शुगर। तो शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप ही डाला है, मतलब कि ये ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा और ज़्यादा फीका भी नहीं होगा, क्योंकि हम रूह अफ़ज़ा भी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले, तो वो भी मीठा ही होता है और आइसक्रीम भी। तो वो हिसाब से मैंने थोड़ा ही डाला है। आप चाहे तो मीठा और बनाना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं। तो लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे, तब तक चीनी भी हमारी मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ना एक और काम हमें करना है। तो एक और बाउल लेना है हमें, उसमें हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर ना मैंने वेनिला फ्लेवर का लिया है। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का और कोई भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हो। वेनिला मुझे सबसे बेस्ट लगता है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। 3 टेबलस्पून भर के हमें लेना है। देखिए, क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है। एक मतलब मेजरमेंट देखिए, 1 लीटर दूध है ना, इसके लिए 3 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर। तो ये परफेक्ट बनेगा, ज़्यादा पतला भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। तो कस्टर्ड फालूदा के लिए 3 टेबलस्पून भर के हमें डालना है। शरबत के लिए थोड़ा कम डाला जाता है, तो क्योंकि वो पतला होता है ना, इसके लिए 3 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है। इसका घोल हम बना लेंगे साइड में। आप चाहे तो दूध में भी बना सकते हो दूध डाल के, या तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पानी ही डाला है और एक घोल बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर ना दूध काफ़ी देर से पक रहा है और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। एक हाथ से हमें ये घोल डालते जाना है, दूसरे हाथ से हमें स्पून से लगातार चलाते जाना है, तो इसमें लम्स नहीं जम जाएगा। देखिए, ये ट्रिक होती है जब भी आप कस्टर्ड फालूदा या कस्टर्ड शरबत बनाते हो, तो इस तरीके से कस्टर्ड को बनाया जाता है, मतलब कि घोल इस तरीके से बनाया जाता है कि एक हाथ से डालना है, दूसरे हाथ से लगातार स्पून से चलाना है, तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं जमेंगे। तो और कस्टर्ड पाउडर जैसे हम इसमें डालेंगे ना ये घोल, तो वैसे वैसे ये गाढ़ा गाढ़ा होता जाएगा जैसे जैसे ये कुक होगा। तो देखिए, गाढ़ा हो रहा है ना, ठीक हो रहा है। इसे हम और पकाएं कुछ देर तक। मैंने 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकाया है लगातार स्पून से चलाते हुए, तो गाढ़ा हो चुका है काफ़ी हद तक। तो हमें इसी तरीके का चाहिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए, इसी तरीके का चाहिए और हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर और। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये गाढ़ा हो चुका है काफ़ी हद तक। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने का वेट करूंगी। रूम टेम्परेचर पर आने के लिए हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में हमें इसे अच्छे से ठंडा करना है, बहुत ही अच्छे से 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना 3 से 4 घंटा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कस्टर्ड फालूदा बनाने की फाइनली। तो यहाँ पे ना ये वाली सेवई मैंने लिया है, ये तो आप लोगों को मिल जाएगी मार्केट में, मार्केट वाली सेवैया इस बार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं इसे, बहुत सारे वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं और बना सकते हैं, और इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर डालने तो डालने तो स्किप कर दीजिएगा अगर नहीं है तो। तो यहाँ पे सब्जा मैंने जो भिगो कर रखा था ना स्टार्टिंग में, वो भी फुल चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, डबल ट्रिपल क्वांटिटी हो चुकी है इसकी। इसी तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम इसकी लेयरिंग करेंगे। आप चाहे तो ग्लास में भी बना सकते हो, ग्लास में बनाकर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बाउल में बनाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले सब्जा सीड्स हम इस तरीके से डाल देंगे, उसके बाद हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा। ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक देता है पेट में, और रमज़ान में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए और करते हैं काफ़ी लोग। तो रूह अफ़ज़ा ये जो मीठा होता है इसका फ्लेवर, तो ये इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ पर ये सेवैया है वो डाल देंगे। तो ये सेवैया कॉर्नफ्लावर जो होता है ना उसकी होती है, तो आप घर पर भी इजीली बना सकते हो। कॉर्नफ्लावर का घोल बनाना पड़ता है और फिर उसे जो सेवैयों का जो सांचा होता है ना उसमें डालकर
गर्म पानी में उसे डाला जाता है तो वो बन जाती है सेवैया, लेकिन यहाँ पे मैं मार्केट वाली ही इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हम डालेंगे कस्टर्ड जो हमने बना के रखा है वो। अब देखिए इस तरीके से ठंडा ठंडा हो चुका है बहुत ही ज़्यादा और ये गाढ़ा भी हो चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। उसके बाद हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल किया है और अब मैं इसे मिला लूँगी। देखिए इस तरीके से स्पून से हम चला लेंगे तो ये बन गया हमारा कस्टर्ड फालूदा जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तो अब इसे ऐसे भी ग्लास में डालकर खा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ग्लास में लेयरिंग करके बताती हूँ। देखिए तो सबसे पहले हमें डालना है सब्जा सीड्स ग्लास में 2 टेबलस्पून के करीब, और उसके बाद मतलब ये इस तरीके से बनाया जाता है ना तो अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छा होता है। लास्ट में तो हमें मिक्स ही करना होता है, लेकिन इस तरीके से आप बनाओगे तो दिखने में भी अच्छा लगता है ना। उसके बाद हम डालेंगे रूअफ़ज़ा और उसके बाद सेवैया डालेंगे। सेवैया टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो डायरेक्टली भी आप कस्टर्ड डाल सकते हैं इसके ऊपर, और आप चाहे तो इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं तो बन जाएगा फ्रूट कस्टर्ड। अपने मर्जी के कोई भी फ्रूट्स आप डाल सकते हैं सिवाय वाटरमेलन और ऑरेंज को छोड़कर, क्योंकि वो पानी रिलीज करता है इसके लिए। तो इसके बाद हम डालेंगे देखिए जो कस्टर्ड हमने बनाया है वो डाल देंगे, उसकी क्लियरिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिख रहा है ना, तो इसी तरीके का आपको भी करना है। और इसके बाद ये जो आइसक्रीम मैं डालने वाली हूँ ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालने तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं डाल रही हूँ सब्जा सीड्स। सब्जा सीड्स ना पेट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है, ठंडक देता है। अगर गर्मी में आप बना रहे हो तो इसे स्किप ना कीजिए, ज़रूर डालना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे वेनिला फ्लेवर की है, मैंने ली है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के जो डिब्बे आते हैं ना छोटे वाले, वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक मतलब वो सही पड़ता है ना, एक ग्लास में एक आइसक्रीम डाली जाती है, तो इस तरीके से मैंने डाला है एक कप, एक एक कप डाला है आइसक्रीम का। और उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे फिर से ड्राई नट्स। तो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है हमारा कस्टर्ड फालूदा विद आइसक्रीम। आइसक्रीम के साथ बनाइए, बहुत ही मज़े का लगता है। और कुछ दिन पहले ना मैंने अपने चैनल पर मतलब कि रमज़ान में फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी अपलोड की थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो भी बहुत फटाफट बन जाता है और बहुत ही ईजी रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तो उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने अगर नहीं वॉच किया है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नई भी आई तो फिर भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आसान से रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।